सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाए जाते हैं। उससे पहले कि इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो वहाँ पर ऊंचाई निकालना बताया गया था। तो यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो का, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो फार्मूला होता है उसका स्टडी करते हैं। फार्मूला नंबर वन है कि बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πRh होता है, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम लिखा जाता है v से, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है πR²h होता है। एंड तीसरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ को ऐसे लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πR ब्रैकेट में h प्लस r होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि आयतन का फार्मूला को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल नंबर वन है, कह रहा कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। और इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, आयतन। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसका व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो d का मान है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। और क्या दिया इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या नहीं है, ये क्या है, ऊंचाई 3, इसकी ऊंचाई जो है वो दी है, त्रिज्या नहीं है, ये क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे त्रिज्या न करके इसकी क्या करते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड क्या करना है, इसका आयतन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए व्यास यदि 20 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 हो गई, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो h का मान यहाँ पर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं और आयतन हम फाइंड करते हैं। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, त्रिज्या का मान देखिए क्वेश्चन में दिया कितना है 10, तो 10 × 10 हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। और देखते हैं कुछ कटने वाला है, नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले वैसे भाग देते हैं। तो देखिए 10 दाम में कितना होगा 100, और 100 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 300, तो ये हो जाएगा 22/7 × 300 हो जाएगा, ठीक है। और आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए 22 तीन कितना होता है 66, तो हो जाएगा 66/100/7। अब इसको आप डिवाइड करके भी ला सकते हैं। अब जो आयतन आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और ये इसका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे जो लिखा गया था त्रिज्या, और त्रिज्या नहीं थी, क्या थी, ऊँचाई थी 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। सब देखिए बेलन का जो व्यास हो कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, इस टोटल का मान कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई का मान दिया है इस क्वेश्चन में वो कितना कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसका आयतन का जो फार्मूला होगा, ये आयतन का जो फार्मूला होता होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से आयतन हमने फाइनली फाइंड कर लिया 66/100/7। आप चाहते हैं तो इसको और डिवाइड करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।